खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे गायक और अभिनेता हैं जिनके गाने सोशल मीडिया पर आते ही छा जाते हैं। एक समय ऐसा भी था जब खेसारी लाल को अपनी पहचान बनाने के लिए लिट्टी चोखा तक बेचना पड़ा था, क्योंकि भोजपुरी गायक बनने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी था। कड़े संघर्ष के बाद वह भोजपुरी फिल्मों और गानों का जाना माना चेहरा बन गए। आज आलम यह है कि इनके गाने यूट्यूब पर आते धमाल मचा देते हैं और कुछ ही समय में लाखों करोड़ों में व्यूज मिल जाते हैं। खेसारी लाल यादव बिग बॉस 13 के प्रतिभागी भी बने, जहां कई दफ़ा वो अपने गानों को गाते हुए भी नजर आए। लेकिन खेसारी फिल्मी गानों तक ही सीमित नहीं रहे, इन्होंने कई भक्ति गीत भी गाए हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद भी किए। भगवान कृष्ण, देवी माँ, शिव जी पर बने इनके तमाम भक्ति सॉन्ग यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिन्हें कई बार देखा जा चुका है। द्वारा जगराता हुई देवी गीत खेसारी लाल यादव ने गाया है और पिछले साल रिलीज हुई इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 6 करोड़ बार देखा जा चुका है। बता दें, चुनरिया ले ले अय्या छपरा से सैया, खेसारी लाल यादव के इस गाने को भी काफ़ी पसंद किया गया है। इस बात का अंदाज़ा इसे मिले व्यूज़ को देखकर लगाया जा सकता है। यूट्यूब पर इस भक्ति गीत को 7 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। इस गीत को टुनटुन यादव ने लिखा है और म्यूजिक आशीष वर्मा का है। बारी मंदिर में दिया खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह के द्वारा गीत गाया गया है, जिसे YouTube पर अब तक 18 करोड़ से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। बता दें, शिवरात्रि के मौके पर आया खेसारी का पियली गांजा गाना में लोगों को काफ़ी पसंद आया था। मुरली की धुन पे इस कृष्ण गीत को खेसारी लाल यादव के साथ पैमेला जैन, खुशबू जैन ने भी गाया है। लिरिक्स प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं। शायद ही कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें खेसारी लाल यादव के गाने रिलीज नहीं किए गए हो। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में आज इन्होंने अपनी अलग ही पहचान बना ली है। नेक्स्ट 9 भोजपुरी से रोहित की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।